हेलो फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए ये खूबसूरत सा पेंसी फ्लावर का वीडियो लाए हैं। इसमें हमने ये जो लीव्स हैं इसका लिंक हम आपको वीडियो के बाद में लगा देंगे। वैसे ये लीव्स बनी है रोमानियन स्टिच से। ये हमारा स्टेम स्टिच से बना है, जो स्टेम है। इसके अलावा ये हमारे लॉन्ग एंड शॉर्ट शेडिंग से बना है। बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही अच्छा ये पेंसी फ्लावर है। कैसे बनेगा ये हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। हमने देख आप यहाँ देख रहे होंगे, हमने दो ये पेटल्स यहाँ पहले से बना रखी है लॉन्ग एंड शॉर्ट की। इसका ओरिएंटेशन ऐसे है कि हमने इधर इधर से स्टार्ट किया ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे जाते जाते ऐसे एंड कर दिया, थोड़ा सा रोटेट करके एंड किया। कैसे वो हम अभी बताते हैं। हमने सुई में अपनी येलो कलर का थ्रेड ले लिया है। उसके बाद जब येलो थ्रेड ले लिया, हमने यहाँ से अपनी सुई को इस पोजीशन पे से निकाला है। जनरली हम जब बनाते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच, पहले हम स्टेम स्टिच से आउटलाइन कर लेते हैं, पर हमने यहाँ पर पेंसी फ्लावर में कहीं भी आउटलाइन नहीं करी हुई। यहाँ से हमने अपनी सुई को निकाला और उसके बाद फिर एक छोटा स्टिच लिया, सॉरी एक थोड़ा सा कपड़ा अपनी सुई में लिया। उसके बाद ये देखिए, मम्मा इस तरह से लिया। फिर एक और छोटा सा स्टिच लेंगे हम यहाँ पर। फिर आप ये यहाँ पर जितनी दूरी दूरी हम जा रहे हैं उसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई आउटलाइन नहीं बनाई हुई है। अगर आउटलाइन बनाई होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसलिए हमने बहुत ज़्यादा दूरी दूरी नहीं जाएंगे, ठीक ठीक से जाएंगे इस तरह से। फिर एक शॉर्ट स्टिच बना लेंगे। पेंसी फ्लावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेरिएशंस के साथ बहुत तरह की वैरायटी में मिलता है। आपको जो भी शेड, जो भी जैसे भी अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो फेमस है फैंसी फ्लावर का वो है स्काई ब्लू एंड नेवी ब्लू कलर, पर हमें यहाँ पर येलो एंड ऑरेंज प्लस ये जो डार्क रेड है, ब्राउनिश रेड है, ये यूज़ किया है। जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये आप देखिए कि किस तरह से हम रोटेट करेंगे अपनी सुई को, क्योंकि आप ये एरिया काफ़ी कम होता है और ये एरिया ज़्यादा होता है, और प्लस हम बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं ला जा सकते, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा दूर लेके गए तो हमारी ये जो वो है स्टिच, उसमें झिर्री झिर्री से पन लगने लगता है इस तरह से। फिर हमने एक स्मॉल स्टिच बनाई इस तरह फिर यहाँ पर एक लॉन्ग स्टिच हम बनाएंगे, लेकिन ये दूरी बहुत ही छोटी या स्मॉल रखेंगे। यू अगर आप इंडिया में रहते हैं और आपको रिक्वायरमेंट है, ये जैसे हम जनरली 3-ply की ऊल यूज़ करते हैं, अगर आपको ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि 3-ply की ऊल आपको मिल जाए, तो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं, हम आपको कोरियर कर देंगे। उसके लिए आपको हमारे पेज या जो भी ग्रुप है फेसबुक पे, उसमें हमें इनबॉक्स करना होगा अपना व्हाट्सअप नंबर। हम व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। वैसे आप जनरली ये जो शेडिंग होती है ये सिल्क थ्रेड से बहुत ही खूबसूरत और डेलिकेट सी लगती है, तो आप सिल्क थ्रेड, मेरा एडवाइस है ये कि आप सिल्क थ्रेड ही यूज़ करें। अगर सिल्क थ्रेड नहीं है तो कॉटन थ्रेड या एंकर का या डेम्सी का जो भी थ्रेड आपको अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो आप यूज़ करोगे तो अच्छा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने मन का जो आपको धागा अवेलेबल हो, जो आपको आराम से मिल सके, वो धागा आपको यूज़ करना चाहिए। अननेसेसरी कभी भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। अगर आपका मन एम्ब्रॉयडरी का है और आप ये सोचें कि हमारे पास तो धागा नहीं है,
तो इसलिए वेट नहीं करना चाहिए। जो धागा आपको अवेलेबल है आप इस ढंग से बनाएंगी, आपको कोई दिक्कत कहीं नहीं आएगी। अगर आप सिल्क थ्रेड से बना रही है तो दी बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये देखिए इस तरह से रोटेट करते जा रहे हैं हम अपनी एम्ब्रॉयडरी को। ये हिस्सा बढ़ रहा है, ये हिस्सा स्टिल है, अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। बहुत ही खूबसूरत होता है ये पैंसी फ्लावर। आप किसी भी शेड में आप नेट से देख लीजिए किस किस शेड से आते हैं, और उसमें से आप अपना चूज कर सकती हैं कि आपको कौन से कलर का पैंसी बनाना है। जनरली ये येलो कलर का पैंसी इतना कॉमन नहीं है, इसीलिए हमने ये पैंसी यूज़ किया, ये कलर्स यूज़ किए, क्योंकि कॉमन चीज़ तो सब आदमी बना लेते हैं। थोड़ा सा उसमें आप ट्विस्ट लाइए तो आपकी एम्ब्रॉयडरी बाकी लोगों से थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी और ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। इस तरह से धीरे धीरे आप उस डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे। आप ये भी गौर करिएगा जो साइड्स हैं उसके हमारे स्टिचेस थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं और बीच के स्टिचेस थोड़े हमने छोटे रखते हैं। और कोई भी अगर आपको रिक्वेस्ट हो या कोई भी आपको क्वेरी हो तो प्लीज़ 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 फेसबुक पे हमारे पेज या ग्रुप पे आप अपने प्रॉब्लम को या अपने सजेशंस को रख सकते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सजेशंस हम फॉलो करें, या कोई भी हमें अगर देता है कोई रिक्वेस्ट तो हम उसको कंप्लीट करें। ये देखिए इस तरह से हमारे वीडियो को अगर आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो को आप देखिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। ये देखिए इस तरह से हमने ये पेटल कंप्लीट कर ली, क्योंकि हम इसकी डिज़ाइन चेंज नहीं कर सकते, तो जैसी है हमें उसी तरह से अपना एम्ब्रॉयडरी को घुमाना फिराना पड़ता है। ये देखिए ये हमारी पेटल कंप्लीट हो गई। अब ये जो बाहर की, देखिए हमेशा पैंसी फ्लावर में ऐसा होता है शुरू की ये जो थ्री लीव्स या पेटल्स होती है ये तो शेडेड होती है, और पीछे की जो हमारी पेटल्स होती है ये एक ही कलर में ब्लेंडिंग होती है दो कलर्स की। हमने यहाँ पर जो है येलो एंड जो हमारा ऑरेंज कलर है उसकी ब्लेंडिंग करके ये पीछे की लीफ बनाई, पेटल बनाई। अब हम यहाँ पर वही दिखाते हैं आपको। ये तीन लीफ होने के बाद बाहर, इन तीन लीफ के बाद ये जो बाहर की पेटल्स है ये कैसे बननी है ये हम बताने के लिए जा रहे हैं। इसमें भी येलो थ्रेड हमने पहले अपनी सुई में ले लिया है और थोड़ा सा स्पेस देते हुए हम रोमानियन स्टिच बनाएंगे। ये देखिए थोड़ा हम स्पेस देते जाएंगे, ये स्पेस जिससे कि हमारा ऑरेंज कलर बीच बीच में आ पाए। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा स्पेस चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं हाँ, लेकिन स्पेस चाहिए। ये देखिए इस तरह से पूरे में जितनी दोनों लीव्स हम इसी ढंग से पेटल हम इसी ढंग से बनाएंगे।
देख रहे होंगे बहुत आराम से है और बहुत ही अच्छे से हम ये इस ढंग से बनाते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम इसलिए कर रहे हैं जिससे आपको समझ आता रहे कि क्या चल रहा है। इस तरह पूरी दोनों जो पेटल्स हैं ये दोनों ये सेम इसी ढंग से जैसे हमने यहाँ दिखाई है वैसे कंप्लीट की जाएंगी। ये सारी पेटल्स येलो कलर से होने के बाद जो बीच का हमारा ये ट्रायंगल है जैसा हमने यहाँ बनाया है उस तरह से यहाँ पर छोटा सा ग्रीन कलर का हम बनाएंगे। हमने अपनी सुई में ग्रीन धागा ले लिया है, ये देखिए यहाँ से लिया, उसके बाद अब बिता रहे हैं यहाँ से लिया और छोटा छोटा सा एक टीयर ड्रॉप टाइप का हम बना लेंगे। ये देखिए एकदम तो छोटा बनाएंगे, बहुत बड़ा सा नहीं बना रहे हम। इस तरह से एक छोटा सा टीयर ड्रॉप बन गया है। ग्रीन कलर से ये बनाने के बाद हमने पीछे नॉट लगा दी है। फिर अपना ये डार्क रेड कलर का धागा अपनी सुई में ले लिया है और उससे हम यहाँ पर शेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ से हमने सुई निकाली, यहाँ पर ऐसे, फिर ऐसे, बहुत पास पास शेडिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती कभी। आप आराम से जैसे आपको सुविधा लगे आप उस तरह से करते हुए जाएंगे तो वो ज़्यादा सुंदर भी दिखती है। अब एक छोटी सी स्टिच फिर यहाँ से ले लिया, वो फिर यो, फिर यो, इसी तरह से ये शेडिंग होती जाती है। एक थोड़ा छोटी स्टिच, छोटी बड़ी स्टिचेस का कॉम्बिनेशन हम करते जाते हैं। जहाँ पे हमें लगता है थोड़े बड़े ही बना दें वहाँ पे बड़ी बना लेते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है आपको कहाँ पे छोटी बड़ी करनी है। ये देखिए कितने आराम से हम इसे बनाते जा रहे हैं। गैप्स क्योंकि हमने पहले ही क्रिएट किए हुए हैं तो हमें मालूम है हमें किन गैप्स के बीच में जाकर अपनी ये पेटल को शेड करना है। ये देखिए यहाँ इस तरह ये यहाँ पर से इस तरह से ये आप देखिए हमारी एक जो पेटल है वो किस तरह से शेडेड हो गई। ये देखिए एक पेटल ये शेडेड हो गई है और इसी तरह से हम बाकी की ये दो पेटल्स भी करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने पूरे में शेडिंग दे ली। हमने अब ऑरेंज धागा अपनी सुई में लेके यहाँ पे छोटे छोटे से स्टिचेस जैसे हमने यहाँ डाले हैं उस तरह का डालेंगे। यहाँ से हमने निकाला और फिर यहाँ पे से थोड़ा सा निकाला, बहुत बड़े नहीं रखने हैं इन स्टिचेस को, सिर्फ ये जो पेंसिल फ्लावर में बीच में दिखता है उसका लुक देने के लिए हमने ये छोटे छोटे से एकदम स्टिचेस डाल रहे हैं। ये ग्रीन कलर के बाद ये इस तरह से हो गया, बहुत पास पास भी नहीं बहुत दूर दूर भी नहीं, आपने ये डाल ले। अब यहाँ वाली जो बाहर वाली पेटल है इस पे हम ऑरेंज कलर से शेडिंग करेंगे। हमने यहाँ से अपनी सुई ऐसे निकाल ली है ऑरेंज कलर से शेडिंग के लिए और थोड़ी थोड़ी दूर पे बस सिंपल रोमानियन स्टिच ऊपर से बनाते जाएंगे।
जो ये येलो वाला बना है इसी के ही ऊपर से हम छोटे बड़े कर करके रोमानियन स्टिच ऊपर से इसके बनाएंगे। कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं है, बस आपको इसी के ऊपर शेड बनाते जाना है जिससे कि बाद में ये ब्लेंड होके खूबसूरत सा लुक दे दे। आप देख रहे होंगे बहुत स्पीडली ये होने वाली प्रोसेस है। इस तरह से छोटी बड़ी स्टिचेस हम यहाँ पर डालते जाएंगे। कोई रेगुलेशन नहीं आपको करना है कि आपको कहाँ बड़ी डालनी है कहाँ छोटी डालें, जहाँ आपको जो लगे उस तरह से। क्योंकि आप देखिए कभी भी नेचुरल जो थिंग्स होती है या फ्लावर्स होते हैं उसमें कहीं भी कोई रूल्स नहीं होते कि अब यहाँ पे छोटा आएगा तो बड़ा। आप एक ही प्लांट के दो फ्लावर देखिए, जरूरी नहीं है कि वो सिमिलर हो, एक से दिखे। तो बस वही वाली बात हमें यहाँ भी करनी होती है इस तरह से करते जाएंगे। ये लीफ पेटल में भी ऐसे ही कर लेंगे। ये देखिए हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया, ये फ्लावर सारे कंप्लीट हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज 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 फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। कोई क्वेरी या कोई रिक्वेस्ट हो तो मेरे फेसबुक पेज या ग्रुप में आप रिक्वेस्ट या क्वेरी को सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।